फ्रेंड्स, दिस इज मेगार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाती है। वो हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखती है। एक्ट्रेस ने हाल ही में कहा है कि देश में धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण बढ़ गया है, धर्म को लेकर शोर बढ़ गया है। जी हाँ, आज लोग बड़ी बेसब्री से कोई भी ऐसी चीज तलाश रहे हैं जो उन्हें पहचान दे सके। एक्ट्रेस ने कहा है कि पहले देश की कोई धार्मिक पहचान नहीं थी, लेकिन आज समय बदल चुका है। दरअसल विद्या बालन के हालिया इंटरव्यू में ये सब बातें सामने आई। इस दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि देश धर्म के मामले में ज्यादा ध्रुवीकृत हो गया है। इस पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से ज्यादा ध्रुवीकृत हैं। एक राष्ट्र के रूप में पहले हमारी कोई धार्मिक पहचान नहीं थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता क्यों। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये सोशल मीडिया भी है, क्योंकि हम सभी इस दुनिया में खो गए हैं और एक पहचान की तलाश में हैं जो हमारे पास नहीं है। एक्ट्रेस ने आगे कहा, तो सब कुछ ऐसा बन गया है कि चाहे ये धर्म है या जागरूकता, लोग कह रहे हैं मैं ये हूँ, लेकिन आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। यही कारण है कि आप इन चीजों की तलाश में जा रहे हैं। हम सभी को अपनेपन की भावना की जरूरत है, और इस दुनिया में सोशल मीडिया के फैलने के साथ हम पहले से कहीं ज्यादा अकेले हो गए हैं। बहुत ही सतही स्तर पर हम खुद को आसानी से विचारों और अब धारणाओं से जोड़ रहे हैं। आज दुनिया ध्रुवीकृत है, ये सिर्फ एक देश नहीं है। विद्या ने भी ये बताया कि वो धार्मिक ढांचे के निर्माण के लिए पैसे मांगने वाले लोगों को कभी दान क्यों नहीं देती है, और कहा कि वो हेल्थ केयर, स्वच्छता और एजुकेशन से जुड़े क्षेत्रों में दान देना पसंद करेंगी। वो खुद आध्यात्मिक हैं और हर दिन पूजा पाठ भी करती हैं, पर फिर भी विद्या धार्मिक ढांचे के निर्माण के लिए चंदा नहीं देती, बल्कि अस्पताल, स्कूल या शौचालय बना रहे हैं तो खुशी खुशी योगदान करेंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी भी राजनीतिक बात पर टिप्पणी करने से कतराती है, क्योंकि फिर एक्टर्स को लोग बैन करने लग जाते हैं। खैर, एक्ट्रेस कुछ भी बोले, पर दिल की बात जुबा तक पहुंच ही गई है इनकी। अपने बात को रखने में कभी वो पीछे नहीं रहती। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।